मैं उस महापुरुष के चरणों में नमन करता हूं, लेकिन हमें उस महापुरुष को याद करना होगा जिन्होंने कहा था स्वदेशी से स्वराज, स्वराज से सुराज, ये उनका मंत्र है। हम सबको सोचना होगा कि हम कब तक दुनिया के और लोगों पर निर्भर रहेंगे। क्या हमारे देश का अन्न की आवश्यकता हो हम आउटसोर्स कर सकते हैं क्या? जब देश ने तय कर लिया कि हमारा पेट हम खुद भरेंगे, देश ने करके दिखाया कि नहीं दिखाया? एक बार संकल्प लेते हैं तो होता है दोस्त। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत ये हर नागरिक का, हर सरकार का, समाज के हर इकाई का ये दायित्व बन जाता है। ये आत्मनिर्भर भारत ये सरकारी एजेंडा, सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये समाज का जन आंदोलन है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। मेरे साथियों, आज जब ये बात हमने सुनी, आजादी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी है। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये बात, एक आवाज उसे नई प्रेरणा, ताकत नहीं दी? और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज मेरे देश के सेना के जवानों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरी आत्मनिर्भर की बात को संगठित स्वरूप में, साहस के स्वरूप में मेरी सेना के जवानों ने, सेना नायकों ने जिस जिम्मेवारी के साथ कंधे पे उठाया है, मैं उनको जितनी सैल्यूट करूं उतनी कम है दोस्त। उनको आज मैं सलाम करता हूं, क्योंकि सेना का जवान मौत को मुट्ठी में लेकर के चलता है। मौत और जिंदगी के बीच में कोई फासला ही नहीं होता है, और तब बीच में वो डट करके खड़ा होता है। और वो मेरा सेना का जवान तय करे कि हम 300 ऐसी चीजों आप लिस्ट करते हैं जो हम विदेश से नहीं लाएंगे हमारे देश की, ये संकल्प छोटा नहीं है। मुझे इस संकल्प में भारत के, आत्मनिर्भर भारत के उज्ज्वल भविष्य के वो बीज मैं देख रहा हूं जो इस सपने को वटवृक्ष में परिवर्तित करने वाले हैं। सैल्यूट, सैल्यूट मेरे सेना के अधिकारियों को, सैल्यूट। मैं आज मैं मेरे छोटे छोटे बालकों को, 5 साल 7 साल की आयु के बालक, उनको भी सैल्यूट करना चाहता हूं, उनको भी सलाम करना चाहता हूं। जब देश के सामने चेतना जगी, मैंने सैकड़ों परिवारों से सुना है, 5-5, 7 साल के बच्चे घर में कह रहे हैं कि अब हम विदेशी खिलौने से नहीं खेलते। 5 साल का बच्चा घर में विदेशी खिलौने से नहीं खेलेंगे, ये जब संकल्प करता है ना, तब आत्मनिर्भर भारत उसकी रगों में दौड़ता है। आप देखिए, पीएलआई स्कीम 1 लाख करोड़ रुपया, दुनिया के लोग
हिंदुस्तान में अपना नसीब अजमाने आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं, भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बना रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग हो, आज देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। जब हमारा ब्रह्मोस दुनिया में जाता है, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसका मन आसमान को न छूता होगा। दोस्तों, आज हमारी मेट्रो कोचेज, हमारी वंदे भारत ट्रेन विश्व के लिए आकर्षण बन रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें आत्मनिर्भर बनना है हमारे एनर्जी सेक्टर में। हम कब तक एनर्जी के सेक्टर में किसी और पर डिपेंडेंट रहेंगे? और हमें सोलार का क्षेत्र हो, विंड एनर्जी का क्षेत्र हो, रिन्यूएबल के और भी जो रास्ते हो, मिशन हाइड्रोजन हो, बायोफ्यूल की कोशिश हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जाने की बात हो, हमें आत्मनिर्भर बन करके इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज प्राकृतिक खेती भी आत्मनिर्भर का एक मार्ग है। फर्टिलाइजर से जितनी ज्यादा मुक्ति, आज देश में नैनो फर्टिलाइजर के कारखाने की नई आशा लेकर के आए हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री खेती आत्मनिर्भर को ताकत दे सकती है। आज देश में रोजगार के क्षेत्र में ग्रीन जॉब के नए नए क्षेत्र बहुत तेजी से खुल रहे हैं। भारत ने नीतियों के द्वारा स्पेस को खोल दिया है। ड्रोन की बहुत दुनिया में सबसे प्रगतिशील पॉलिसी लेकर के आए हैं। हमने देश के नौजवानों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं प्राइवेट सेक्टर को भी आह्वान करता हूं, आइए हमें विश्व में छा जाना है। आत्मनिर्भर भारत का यह भी सपना है कि दुनिया को भी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में भारत पीछे नहीं जाएगा। हमारे लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट हमें उस करके हमें दुनिया में जाना होगा, हमें स्वदेशी पर गर्व करना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम बार बार लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं। जय जवान जय किसान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी और देश ने उसको प्राथमिकता दी थी। लेकिन अब अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान, इनोवेशन। और मुझे मेरे देश की युवा पीढ़ी में भरोसा है, इनोवेशन की ताकत देखिए। आज हमारा यूपीआई, भीम, हमारा डिजिटल पेमेंट, फिनटेक की दुनिया में हमारा स्थान, आज विश्व में रियल टाइम 40% अगर डिजिटल फाइनेंशियल का ट्रांजैक्शन होता है तो मेरे देश में हो रहा है। हिंदुस्तान ने ये करके दिखाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब हम 5G के दौर की ओर कदम रख रहे हैं। बहुत दूर इंतजार नहीं करना होगा, हम कदम मिलाने वाले हैं। हम ऑप्टिकल फाइबर गांव गांव में पहुंचा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का सपना गांव से गुजरेगा, ये मुझे पूरी जानकारी है। आज मुझे खुशी है, हिंदुस्तान के 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में विकसित हो रहे हैं। गांव के नौजवान बेटे बेटियां कॉमन सर्विस सेंटर चला रही हैं। देश गर्व कर सकता है कि गांव के क्षेत्र में 4 लाख डिजिटल एंटरप्रेन्योर का तैयार होना और सारी सेवाएं लोग गांव के लोग उनके यहां लेने के लिए आदि बन जाए,
ये अपने आप में टेक्नोलॉजी हब बनने की भारत की जो ताकत है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो डिजिटल इंडिया का मूवमेंट है, जो सेमीकंडक्टर की ओर हम कदम मांड रहे हैं, 5G की ओर कदम मांड